तो हेलो दोस्तों, मेरा स्वागत है आपके बजाय कर ऑटोमोबाइल व्लॉग्स में करंदा असद भाई। आज हम आए हैं मनीष भैया के पास अपने टाटा किंग और नेक्सॉन का भंडार आपके सामने मिलने वाला जब आप आओगे भाई मनीष कार एक्सेसरीज पे। ठीक है, ये भी एक्सी है, ये एक्सी में से संदूक वाली, ओके वो भी एक्सी में है। तो भाई चारों में काम चल रहा है लेकिन आज अपनी आप मेन दिखाएंगे XMS वाली। एक्सी तो बहुत दिखा दी, आज इसके अंदर अल्टीमेट लेवल की मोटिवेशन कर रहे हैं वो दिखाने वाले हैं। ठीक है भैया, मोटा मोटा ना ओवरऑल आइडिया दो क्या कुछ हो रहा है इस वाली के अंदर। ठीक है, ठीक है, सिस्टम अपग्रेड नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर भैया हेडलाइट में एलईडी, नीचे अपने फॉग लैंप इंस्टॉल करें, रिंग वाले प्रोजेक्टर इसको बोलते हैं वो इंस्टॉल करे हैं प्रॉपर इसके अंदर। तो बोनट DRL जो अपनी फ्रंट लुक बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है, अंदर सीट कवर सिस्टम DVR लगाया। ठीक है, फ्रंट बैक DVR वाला। ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अंदर अभी सीट कवर इंस्टॉल कर रहे हैं भैया। अगर बात करें उस वाली गाड़ी की तो आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स दिखा दूंगा क्या कुछ अपग्रेड करने वाले हैं। तो इस गाड़ी में क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक ये अपना एक्सी है, ये भी XM मॉडल है। ठीक है, ये बिना सनरूफ वाली है। इसके अंदर अभी अपना फ्लोरिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं, डाइवर्जिंग फ्लोर जिसको बोलते हैं, एक्यूरेट अपनी नेक्सॉन के लिए फिक्स रहती है, डोम टू डोम फिनिश में रहती है, वो इंस्टॉल करने वाले हैं। इसमें ट्रे डाला हमने, ठीक है, क्रोम वाला फर्स्ट टाइम। तो नेक्सॉन, ठीक है, नेक्सॉन यहाँ पर लिखा हुआ मिलने वाला है। और ये फ्रंट बैक लुक ना बहुत एनहांस कर रहा है। पहले आपने दूसरा वाला लगा रहे थे, एक पतला वाला, दो है मेरे पास, नेक्सॉन लिखा भी हुआ है, एक क्रोम है पूरा, एक कंपनी ला के देती है प्रॉपर ऐसे ही से। ठीक है, दोनों वेरिएशंस मिल जाएंगे, मार्केट है, थोड़ा डिस्काउंट है, अच्छी क्वालिटी का ये। ठीक है भैया, अगर बात करें डिफेक्टर लगाया, बैकर लगाया नॉर्मली पीछे नहीं। आज किसी गाड़ी में GT के डिफ्यूजर GT के नहीं लगा रहे, नहीं। बाकी भाई देखो, अगर वो लगवाओगे ना उसके बाद आपकी गाड़ी की लुक और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। लाइट लगा रहा, काम चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर पीछे से लुक दिखाया था, सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें आता है, सीट कवर इंस्टॉल कर रहे हैं, अपना फ्लोरिंग इंस्टॉल हो गया प्रॉपर। ठीक है, फ्लोरिंग भी इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आपको लुक दिखाया था। तो ये क्या कुछ अपग्रेड कर रहे भैया अभी इसके अंदर, वाला। ठीक है, अपनी पूरी खुद की वायर से इंस्टॉल करिए, जिससे कंपनी की वारंटी में 1% हार्म ना हो। हर एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, सारा काम हो रहा है मनीष कार एक्सेसरीज पे। लोकेशन कहाँ रहती है भैया अपनी, ठीक है, होटल आनंद के सिंपली आपको अपोजिट मिलने वाला है मनीष का रेसरी। जब आप आओगे ना अपने आप को भंडार दिख जाएगा भाई, यहाँ पर नेक्सॉन का, तो आपको पता चलेगा मनीष का रेसरी पे हम आ गए। नेक्सॉन बेस वेरिएंट लेके आए भैया, मोटा मोटा कितना कुछ खर्चा आ जाता है भैया, वो डिपेंड होता है ना, 30,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000, जैसे कुछ बजट में काम करवाना हो, जैसे काम करेगा वैसा खर्चा आएगा आपका। जिसको भाई करवाना हो 30,000 के अंदर, 40,000 के अंदर मोटा मोटा खर्चा बता दिया, इतना कुछ आइडिया आता है। बाकी 1,00,000, 2,00,000 तक का व्हील अपना जा चुका है ना, भाई देखो बारिश हो चुकी है, नेक्सॉन का भंडार सिंपली आपको मिलने वाला है मनीष का एक्सेसरीज पे। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाया था, इसके अंदर अपने इंस्टॉल कर रखी है ग्लोव बॉक्स लाइट, तो अभी सिंपली ये खुला हुआ है और यहाँ पर ये ऑन है, और जैसे ही आप इसको बंद कर दोगे तो देखो ये बंद हो गई और ये चल गई, बंद हो गई जल गई। तो सेंसर वाली ग्लोव बॉक्स लाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है भाई। तो भाई यहाँ पर चल रहा है अपना ओवरऑल बकेट फिटिंग का प्रोसेस। तो कंपनी की सीट कुछ इस तरीके से लुक में आई थी इसके अंदर, पहले अपनी सिलाई पूरी ओपन कर दी गई है, इसमें से अभी रॉड्स निकल जाएगी अपनी, ये वाली नए वाले सीट कवर के अंदर फिट कर देंगे और वापस लॉक्स के थ्रू इसको लॉक कर दिया जाएगा, और टक टू टक फिटमेंट मिलेगा, जैसे अपने सेम सीट कवर की फिटमेंट आती कंपनी की तरफ से, वही फिनिशिंग के अंदर यहाँ पर ये फिट कर देंगे। इस ओवर प्रोसेस को बोलते हैं बकेट फिटिंग का प्रोसीजर। और फिटमेंट की बात कर ले, आपको थोड़ा सा ग्लिप्स देता हूँ कैसे कुछ फिटमेंट इसमें मिलने वाली है देखने के लिए। तो यहाँ पर एक इंस्टॉल हो चुकी है, तो ये कुछ डिजाइन मिलने वाला है, फिटमेंट देखो कितनी एक्यूरेट मिल रही है, और बैक सीट की फिटमेंट देख लो। फ्लोरिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और ये भैया किस चीज की वायरिंग डल रही है, ये एम्बिएंस लाइट की, इसके अंदर वायरिंग डल रही है, इसके अंदर भी अपनी एम्बिएंस लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अंदर अपना स्टीयरिंग कंट्रोल, अपना आ रहा सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले। ओवरऑल बहुत बढ़िया काम आपको मिलने वाला है मनीष का एक्सेसरीज पे। बारिश का भाई टाइम है, देख लो कितना क्राउड आपको मिल रहा है नेक्सॉन का यहाँ पर। इन बिटवीन आपको एक नेक्सॉन कंप्लीट हो चुकी है वो दिखाया था, इसके अंदर अपनी इंस्टॉल करी गई है स्कफ प्लेट जो अपनी रहती है भाई ब्लैक फिनिश के अंदर, तो इसको हटा के दिखाया था। तो भाई ऐसे कुछ लुक आती है नेक्सॉन की स्कफ प्लेट, इसमें ब्रांडिंग मिल जाएगी नेक्सॉन की, ब्लू लाइटिंग के अंदर है, नीचे अपनी करी गई डाई वाली फ्लोरिंग, हर गाड़ी में डाई फ्लोरिंग हो रहा है, चारों की चारों गाड़ी में डाई फ्लोरिंग। भाई देखो हम रिकमेंड करते हैं कि डाई वाली फ्लोरिंग, क्योंकि इसमें अपने रहता है भाई डोम टू डोम फिनिश, जैसे बारिश का मौसम है पानी वानी गिरता है तो नीचे बॉडी पे जंग लग जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम आता है सिंपली, बहुत बेनिफिट होता है। हाँ डिजाइन की बात कर ले, सीट का डिजाइन की बात करें, बहुत प्रीमियम डिजाइन इसके अंदर इंस्टॉल करा गया। बाकी एक रेड वाला मैंने उसके अंदर दिखा दिया,
फाइनल शॉट्स में मैं आपको येली दिखाने वाला हूँ और इसके अंदर ये कुछ डिजाइन इंस्टॉल है। बकेट फिटिंग का प्रोसीजर क्या है भैया? बकेट है, कहीं भी आपको इसमें चुनर नहीं दिखेगा प्रॉपर। देखो 1% रिंकल आपको कहीं नहीं मिलने वाला फिटमेंट में, आगे से पीछे तक प्रॉपर कहीं से चुनर नहीं मिलेगा आपको। तो भाई देख लो फिटमेंट में 1% कॉम्प्रोमाइज नहीं। कौन सी क्वालिटी में इंस्टॉल करा है? 5 साल की गारंटी सीट कवर की, ठीक है, फट जाए रिप्लेसमेंट गारंटी। और भैया स्मेल तो नहीं मारेगा? स्मेल कुछ नहीं मारता, जितना मर्जी लग रहा यूज करो इसको, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। भाई प्रीमियम लुक दे रहा ना पूरी इंटीरियर के हिसाब से, कार की लुक वाइट और ये सीट कवर गद्दे वाला। और कितने स्टार्टिंग में थे भैया? 2500 से स्टार्टिंग है ना सीट कवर का। ठीक है भाई 2500 रुपए स्टार्टिंग मिल जाएगी अपने सीट कवर्स की। यहाँ पर आपको ये वाली नेक्सॉन की फ्रंट लुक दिखाया था, इसके अंदर भी अपने इंस्टॉल करी गई है बोनट वाली DRL। तो ऐसी कुछ लुक आती है बोनट DRL की, प्लस अपना ये फॉगलेट कवर जो था सिंपली वो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। इसके अंदर DRL वाला फॉगलेट कवर इंस्टॉल करा गया, प्लस अपनी मिंडा की फॉगलाइट। तो ऐसी कुछ लुक आती है फ्रंट लुक देखने में, ऐसी कुछ मिल जाती है आपको। ये लुक है अपनी ओनली पार्किंग इंडिकेटर देना भैया एक बार। तो ऐसे कुछ मैट्रिक्स लुक के अंदर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए अपने DRL जो इंडिकेटर फीचर में मिल रहे हैं। और फ्रंट बोनेट लुक दे लो भाई, इसके अंदर भी इंस्टॉल करी गई है, इसके अंदर भी उसके अंदर बेसिक काम था, ओवरऑल सारा काम होगा रहा है भाई मनीष का एक्सेसरीज पे। यहाँ पर देख लो ये है अपनी बेसिकली फॉगलाइट इसके अंदर इंस्टॉल कर रखी है, प्लस इसके अंदर है अपनी रिंग वाली फॉगलाइट। तो ऐसी कुछ लुक मिल जाती है रिंग वाली फॉगलाइट के अंदर, इसमें अपना इंडिकेटर भी चल जाता है, ये नॉर्मल है, और ये अपने DRL के अंदर कवर करा इंस्टॉल करा गया। तो भाई फाइनली यहाँ पर नेक्सॉन का काम हो चुका है कम्प्लीट, मनीष भाई कम्प्लीट सारा काम भाई। देखो बारिश में भी अपने लगे पड़े, सारी टीम मेहनत कर रही है, अच्छा खासा काम देने की कोशिश कर रही है अपने कस्टमर्स को। तो भाई क्या कुछ अपग्रेड करा है इसके अंदर? बोनेट DRL लगा है यहाँ से एंड तक पूरा, ठीक है भाई। इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे बोनेट DRL जो आपको फुल में देखने में मिलने वाली है, इस गाड़ी के अंदर भी करी है और इसके अंदर भी। मैंने आपको दोनों के लिए को दिखाई दी थी। अगर बात करें भैया इसके अंदर फॉगलाइट में क्या कुछ चेंजेस करे गए? लगा फॉगलाइट इसमें इंडिकेटर वाला, इनबिल्ट LED वाला है, इसको ऑन करवाना भैया एक बार। तो इसका रिस्पांस दिखा दो, कैसा रिस्पांस का मिलने वाला है देखने के लिए। तो यहाँ पर ये ऑन कर दिया है और ये है अपना कुछ रिस्पांस, डे टाइम पे इतना कुछ रिस्पांस का मिलने वाला है। इंडिकेटर का येलो चलता है वैसे व्हाइट येलो। तो भाई देखो जब आप इंडिकेटर दोगे तो सिंपली आपके रिंग भी पूरी यहाँ पर येलो में कन्वर्ट होने वाली है और पार्किंग पे सिंपली है व्हाइट रहेगी। इंडिकेटर बंद करना भैया एक बार। तो ये अपना इंडिकेटर पे लुक है येलो के अंदर, पार्किंग करना भैया। तो भाई ये है अपना ओनली पार्किंग। तो ऐसी कुछ लुक मिल जाती है इसके अंदर आपको देखने के लिए। इसमें भैया अगर बात करें LED अपनी फॉगलाइट्स के बड़े सारे ऑप्शंस तो बाकी ही मिल जाते हैं ना स्टार्टिंग में 1000 रुपए का है फॉगलाइट, ठीक है 1000 रुपए स्टार्टिंग मिल जाती है। इसके अंदर अपना DRL वाला कवर इंस्टॉल नहीं करा गया, उसकी वर्किंग मैंने आपको दिखा दी कैसे वर्किंग मिलती है, उसमें भी अपना इंडिकेटर फीचर मिल जाता है। देखो वैसे अगर आप ये इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसकी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपको फॉगलाइट के अंदर पहले से आपको इंडिकेटर फीचर मिल रहा है, अंदर ही मिल जाता है प्रॉपर। ठीक है भैया अगर बात करें हेडलाइट को चेंजेस करेगा इसमें? मैंने भैया लगाया 130 वाट की LED, ठीक है, और इसमें लगाया 160 वाट की LED। तो हाई और लो बीम दोनों में अपग्रेड करा, ऑन करना भैया इसको एक बार। तो इसका भी रिस्पांस दिखाया था कैसे रिस्पांस का मिलने वाला है। तो भाई ये देख लो सामने तरफ रिस्पांस आपको मिल रहा है देखने के लिए। तो इतना बढ़िया लाइट सेटअप अभी दिन के टाइम भी आपको दिख रहा है, आपको फ्रंट फेस फुल व्हाइट में कन्वर्ट कर चुके हैं, अच्छी खासी ब्राइट सेटअप मिल रहा है। बाकी नाइट ड्राइव बड़ी इजी रहने इसके ना, नाइट ड्राइव में किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, हाईवे पे कहीं पे भी जाओ आप, ठीक है। साइड फेस में बात करें अपने व्हील कवर इंस्टॉल करें भैया, टाटा के लोगों के साथ प्रॉपर किया हमने, टाटा के इसमें लोगो लगा दिया, अजीम पेंट कर दिया, तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है भाई। रिम अपने ब्लैक में पेंट करे गए, टाटा के लोगों के साथ अपने व्हील कवर इंस्टॉल करा गया, तो लुक मिल जाती है। बाकी डिजाइन की बात करें बड़े सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं ना, उसमें अलग डिजाइन लगा है, इसमें अलग लगा है, हर गाड़ी का बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है। अपने क्रोम लाइनिंग डोर वाइजर्स, जी भैया क्रोम लाइनिंग दरवाजे लगा है इसकी, क्रोम की गारंटी है इसकी, ठीक है। बाकी किसी भाई को बेस वेरिएंट में भी अपनी पूरी रूफ ब्लैक करवानी हो तो ये ऑप्शन भी आपको मिलने वाला मनीष का है सर, इस पे इसके साथ करा है नहीं आता। अच्छा ठीक है, पहले ऐसे था वाइट, हमने से फुल ब्लैक रूफ ब्लैक किया प्रॉपर। तो भाई देख लो लेकिन 1% लग नहीं रहा कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट कुछ रूफ रैप कर रखी है। तो ओवरऑल फिटमेंट देखो कितनी बढ़िया मिल रही है, प्लस अपने लुक बहुत ज्यादा एनहांस। अच्छा ये पड़े है भाई यहाँ पर रूफ रैप का प्रोसीजर कम्प्लीट करा गया, बहुत बढ़िया कुछ फिटमेंट में यहाँ पर कम्प्लीट करा गया। रूफ रिल्स थे इसमें पहले से, रूफ मतलब व्हाइट था पहले, हाँ हमने पूरा ब्लैक किया, मैट फिनिशिंग के अंदर, ठीक है मैट फिनिश के अंदर पूरी रूफ अपनी कन्वर्ट कर चुके हैं, अच्छी खासी फिटमेंट। पेट्रोल टैंक भी मैट लगा दिया, अच्छा पेट्रोल टैंक भी ब्लैक कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है भाई। बाकी अगर बैक एंड में आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर ये भी पूरा ब्लैक में कन्वर्ट करा गया। बैक एंड में क्या कुछ अपग्रेड करा भैया? डिक्की पट्टा लगाया हमने नेक्सॉन के बैजिंग के साथ, ठीक है भाई। इसमें नेक्सॉन की बैजिंग आपको मिल जाएगी, थोड़ा गंदा हो चुका है, प्लस अपना बूट मैट GFX का है प्रॉपर, GFX कंपनी का है, हैवी लाइफ लॉन्ग गारंटी है इसकी, ठीक है भाई। कप टाइप शेप में मैट होता है सिंपली, और फुट में भी हम यही डाल रहे हैं प्रॉपर, हाँ पूरा GFX क्वालिटी के अंदर डिक्की प्रॉपर, क्योंकि भाई ये अपना लाइफ लॉन्ग मैट है, ये कहीं नहीं जाने वाली, ऐसी कुछ क्वालिटी इंस्टॉल करी है। प्लस अगर बात करें रिफ्लेक्टर,
तो मैट्रिक्स रिफ्लेक्टर यहाँ इंस्टॉल करे गए, स्टॉक रिफ्लेक्टर जो आए थे वो यहाँ पर अपग्रेड कर दिए गए हैं। इसके अंदर आपको इंडिकेटर, ब्रेक फीचर तीनों से मिल जाएंगे, तो ऐसी कुछ लुक मिलती है यहाँ पर देख लेने मैट्रिक्स के अंदर। इंडिकेटर करना भैया इसको एक बार, तो भाई देख लो ये अपना इंडिकेटर पे लुक और ब्रेक, तो ये है ब्रेक पे सिंपली अपना ये डार्क हो जाएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पर आपको मिलने लगे जेन्युइन ब्रेक लाइट, पार्किंग रियर फॉग लैंप ठीक है यहाँ पर। देखो भाई कैमरा इंस्टॉल करा गया, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर करा गया भाई फ्रंट एंड बैक DVR इंस्टॉल, और ये अपनी ऑन एंड ऑफ पे लुक आपको मिलने टाटा की जेन्युइन। यहाँ पे ये पीछे लगा बैक साइड में, फ्रंट में लगाया ऊपर, फ्रंट एंड बैक कैमरा के अंदर बेसिकली इंस्टॉल करा गया, जिसमें आपको DVR वर्किंग मिलने वाला है 20 सेकंड का प्रॉपर ठीक है। भाई जब हम करें कार के अंदर एंटर, तो इसके अंदर भी इंस्टॉल करी है नेक्सॉन की स्कफ प्लेट जो अपनी ब्लू लाइटिंग के अंदर रहने वाली है। प्लस बात करें नीचे अपनी फ्लोरिंग करिए भैया, इसके अंदर भी फ्लोरिंग की डाई वाई फ्लोरिंग की हमने चारों बारे में किया प्रॉपर इसके अंदर। और सबसे मेन चीज ना XMS ऑप्शन में आप क्या कुछ अपग्रेड कर सकते हो, वो सारे वेरिएशन आपको दिखाने वाले हैं भैया। काम अच्छा हो जाता है, अच्छा खासा काम हो जाता है जी प्रॉपर ठीक है। सीट कवर्स की बात करें भैया, कौन से उस क्वालिटी में इंस्टॉल करे हैं, इसकी 5 साल की गारंटी है सीट कवर की ठीक है। डिजाइन दे लो कितना प्रीमियम लग रहा है, आपको सिल्वर नहीं लगेगा लगने के बाद प्रॉपर, तो भाई रिंकल जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल नहीं लगता लगने का, 1% नहीं लग रहा। बकेट फिटिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करा गया, टक टू टक फिट मिलने वाला है, 5 साल की वारंटी मिलेगी, 2500 स्टार्टिंग मिल जाएगी सीट कवर्स के ना। पीछे भी देख लो बैक एंड की फिटिंग कितनी एक्यूरेट आपको मिलने वाली है भाई। थोड़ा सा एक बार हम भी आज रूफ के मजे ले लेते हैं, इसको करते तो लाइट थोड़ी आ जाएगी। तो ये कुछ लुक मिलने वाली सीट कवर्स के आपको देखने के लिए, ब्लैक प्लस अपना बेज फिनिश के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करा गया, फिटमेंट बहुत एक्यूरेट मिलने वाली है। तो भाई अपने उसके साथ कंप्लीट करा गया है, मून डिजाइन में शेयरिंग रहा है, ब्लैक प्लस बेज की थीम के अंदर कन्वर्ट करा गया। फिटमेंट की बात कर ले कितनी टक टू टक मिलने वाली है, 1% लगेगा नहीं कि भाई आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर ना। मून डिजाइन लगा है, इसमें तीन ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल आता है, एक बकेट वाला आता है, एक मून डिजाइन आता है, तीन ऑप्शन मिल जाए ठीक है भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके मनीष भैया को दिखा देना, आपकी गाड़ी में सेम है इंस्टॉल कर देंगे। शेयरिंग कंट्रोल पहले से इसके अंदर मिलता है, हाँ भैया शेयरिंग कंट्रोल वर्किंग मतलब पहले से होता है, ये बटन जहाँ लग के आता है ना इसमें भी, इसमें हम लगाया कैनवास प्रॉपर भाई। देखो कैनवास इंस्टॉल करा गया है, तो भाई देखो सिंपली जब आपके गेट्स यहाँ पर ओपन होंगे, खोलना भैया गेट फिर से, तो भाई यहाँ पर गेट ओपन करने पे आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगा। ये कैनवास यूनिट के ये बेनिफिट्स रहते हैं, प्लस आपके जितने भी ये सारे कंट्रोल्स हैं अगर ये आप नहीं इंस्टॉल करवाओगे तो आपके बटन्स नहीं वर्क करेंगे, प्लस आपका स्टीयरिंग कंट्रोल भी इसमें वर्किंग आपको नहीं मिलने वाला उसके बाद, ओपन नहीं मिलेगा। पीछे का सेंसर भी उसी से काम करता है कैनवास से ही। और बाकी भाई मार्केट में लोग क्या बोल रहे थे भाई, हम कैनवास के बिना चालू कर देंगे उसमें भाई तार काटनी पड़ती है, तो वो वाला सिस्टम अपना कोई काम है ही नहीं ना भैया, वो वायरिंग काटने का दिक्कत आता है उसके अंदर प्रॉपर। वारंटी वॉइड वाला सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा एंड्रॉइड इसके अंदर प्रॉपर ठीक है। और भैया सिस्टम में बात करें क्या कुछ अपग्रेड करा है, जीवा कंपनी का एंड्रॉइड लगाया इसके अंदर प्रॉपर हमने ठीक है। 32 GB का 32 GB रैम है, एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो है ठीक है, दोनों वर्जन ब्लूटूथ करते ही इसमें अपर कार प्ले आ जाएगा नॉर्मली ठीक है। एक इसमें अपना DVR भी इंस्टॉल है साथ में, DVR भी है रिकॉर्डिंग वाला, तो भाई ये देखो वो सारा पानी का इसे क्लियर नहीं दिख रहा आपको ठीक है भाई। तो आपको पहले फिटमेंट दिखाता हूँ, अपनी फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है देखने के लिए DVR की, तो ये कुछ लुक मिल जाती है और कैसा कुछ रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ये फ्रंट एंड बैक का आपके सामने मिल रहा है, ये है फ्रंट और ये है बैक एंड, तो अच्छी खासी क्लैरिटी में यहाँ पर कन्वर्ट करा गया है इसको। अगर आपको फुल में एक फ्रंट भी देखना हो तो आप देख सकते हो, और ऐसे अगर आप क्लिक करोगे नीचे वाले पे कैमरे की प्रॉपर यहाँ से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो जाएगा आपको ठीक है। इसके अंदर भैया मतलब सिस्टम में रिकॉर्डिंग चल जाएगी और आप उसको यूज कर सकते हो, बारे में देखना हो जैसे आपको प्लेबैक करना हो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फ्रंट एंड रेट लिखा हो इसमें देने में मिलने वाला है, तो भाई अच्छी खासी क्लैरिटी में यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दिया गया। बाकी सिस्टम का रिस्पांस दिखाया था HD2 स्ट्रीमिंग के थ्रू, आप अपना फ्रंट कैमरा अगर आप ओनली लगवा रहे हो तो आप वो ऑपरेट कर सकते हो उसके अंदर देखने के लिए। मैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, मेन चीज अपने एंड्रॉइड के अंदर मैप्स और यूट्यूब दोनों वेरिएशन इसमें आपको मिलने वाले हैं। Spotify मिल जाएगा, सब मिल जाएगा इसमें प्रॉपर ठीक है भाई। जेड लिंक के थ्रू एप्पल कारप्ले आप इसके लिंक कर सकते हो, अभी एप्पल कारप्ले का वायरलेसली कनेक्ट करके आपको अगर वर्किंग उसकी दिखा देता हूँ, अभी सिस्टम कनेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। उससे पहले अपनी भाई क्या कुछ इंस्टॉल करा लाइटिंग सेटअप में, K3 है तो भाई ये है अपना K3 सीरीज MS लाइट, मोड भी चेंज हो जाता है प्रॉपर आपको, रेड ग्रीन जो भी गन्ना ग्रीन सब कुछ है इसके अंदर प्रॉपर आपका ठीक है। K3 बोलते हैं इसको प्रॉपर K3, तो ये ऐप के थ्रू सिंपली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये कुछ लुक मिल जाती है हटाने में एक बार। तो भाई ये देखो ये है कुछ लुक अपने MS लाइट की, और बैक एंड की फिटमेंट भी देख लो कितनी एक्यूरेट आपको देखने मिलने वाली है। और K4 के अंदर सिंपली क्या होता है, मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बार बार रनिंग होता है ठीक है। ये देखो यहाँ से आप ब्राइटनेस कम कर सकते हो पूरी, और इधर से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और म्यूजिक के थ्रू अगर आपको कंट्रोल करना हो म्यूजिक थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अगर बात करें
पाइपली भी आती है, K3 भी आती है, K4 तीनों वेरिएशंस मिल जाएंगे। कितने स्टार्टिंग है एम्बियंस लाइट की अपनी? जो जो सबसे हल्की क्वालिटी होती है ना, जिसकी बिल्कुल भी रोशनी होता है, वो 2500 से स्टार्टिंग। भाई देखो वो तो हम रिकमेंड करेंगे नहीं, वो तो आप मत लगवाओ, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर ऐसा कुछ प्रीमियम क्वालिटी वर्क करवाना है मनीष भैया को बता देना, आपकी गाड़ी के अंदर बढ़िया तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। फोन कनेक्ट करते हैं, उससे पहले आपको ये दिखाता हूं, एक IRVM इंस्टॉल करा भैया इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर डे नाइट वाला IRVM इसके अंदर इंस्टॉल करा, जो अपने टाटा का जेन्युइन रहता है। तो ओवरऑल टाटा के जेन्युइन पार्ट्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे। प्रीमियम क्वालिटी वर्क करना है, सिंपली डील करना है मनीष का एक्सेसरीज पे आपको। तो भाई यहाँ पर देखो, भैया ने सिंपली अपना ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट करा है, एप्पल कारप्ले पे क्लिक करा जेड लिंक के ऊपर, और यहाँ पर आपका फोन वायरलेसली कनेक्ट है। एप्पल एंड्रॉइड ऑटो दोनों वैसे से मिल जाएंगे, एप्पल कारप्ले आ जाएगा प्रॉपर आपका, ठीक है भाई? और जो हैंग नहीं करेगा यहाँ पर, अब ना जो भी प्रोसेसर यूज होगा आपके मैप के ऊपर, या फिर अगर आप स्पॉटिफाई या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ये आपका फोन का प्रोसेसर इसके अंदर यूज होगा, ना कि आपके सिस्टम का। तो वायरलेसली आजकल बहुत डिमांडिंग में रहता है एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड, तो वो सिस्टम आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिया है। स्टार्टिंग कितने से भैया अपने सिस्टम की? मतलब कि नॉर्मली 4500 से स्टार्टिंग है जब पूरा एंड्रॉइड होगा वो, ठीक है? 4500 स्टार्टिंग मिल जाती है, बाकी एज पर क्वालिटी आपको जाना हो, जैसे अगर आपको एप्पल कारप्ले चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए, डीएसपी सेटिंग्स चाहिए, उसमें बड़े सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे सिस्टम के अंदर भी। बाकी अगर बात करें सिस्टम, मैंने स्पीकर में अपग्रेडेशन करी है, स्पीकर नहीं हमने लगाया इसमें, कंपनी से लग के आता प्रॉपर, ठीक है? इसके अंदर स्पीकर कंपनी से लगे हुए थे, बाकी भाई किसी को अपग्रेड करना हो कितने से स्टार्टिंग मिल जाती है? भैया वही 1000 रुपए से स्टार्टिंग है, ठीक है? बेसिक वेरियंट अगर आप लेके आ रहे हो ना, बेस वेरियंट लेके आ रहे हो, उसके अंदर स्पीकर नहीं आते, आप उसमें अपग्रेड कर सकते हो। बाकी किसी को शौकीन हो अपने म्यूजिक साउंड सेटअप के, तो वो इसके अंदर भी अपग्रेड करवाते हैं ना। जो मेन था भैया एम्बिएंट दिखाया हमने, एम्बिएंट था, सिस्टम था, DVR था, और क्या कुछ आप XMS के अंदर करवा सकते हो, आपके लिए वो वीडियो रहने वाली थी। हमने इंस्टॉल करा है, ठीक है भाई? OEM वाला इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर रखा, जो अपने स्क्रू के थ्रू सिंपली यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं। कम्फर्ट लेवल की बात करें, अच्छा खासा कम्फर्ट लेवल से मिलने वाला है अपने, दो तीन ऑप्शन इसके पास जो आप देखो। बाकी जेन्युइन भी अगर किसी को चाहिए वो मिल जाएगा, हमने एक लास्ट वाली वीडियो के अंदर जेन्युइन वाला दिखा रखा था। ऐसा कुछ काम करना, आना कहाँ पर है? होटल आनंद का लोकेशन है आपका, सिंपली जब आप आओगे भाई मनीष भैया, आपको टाटा का भंडार मिलने वाला है, मिल जाएगा, मुझे फोन करो, मैं आपको पिकअप कर लूंगा। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है, कोई डिटेल्स उन्हें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अपने ओनर के पास, उनसे सारा काम, उनको कैसा लगा। तो भाई साथ में अपने प्राउड ओनर सर, क्या नाम है आपका सर? आपका कहाँ से आए थे? ठीक है, कैसा लगा सारा काम मनीष भैया के दिया आपको? बढ़िया लगा, यूट्यूब पे देखा था पहले काम, तो आप की वीडियो देखकर ही हम, थैंक यू, अच्छा लगा काम, बिल्कुल क्वालिटी वर्क में डील करा, जैसा देखकर आए थे वीडियो में वैसे ही काम। और ऐसा कुछ नहीं कि मैन्यू प्लेट कराओ यहाँ पर आके, ठीक है? जो भैया ने बताया हमने वही चीज लगाया, मतलब ये नहीं बोला कि जो अच्छे लगाओ ये सब करो। भैया टाइम पूरा दिया हम, सुबह 9:30 गए थे, टाइम से लग जाता है, 7 घंटे। वैसे अच्छा लगा ओवरऑल काम? 10 में से रेटिंग देनी है भैया को कुछ? फुल रेटिंग देंगे, लेकिन भैया ने डिस्काउंट भी देंगे अभी। डिस्काउंट भैया अपने आप दे देते हैं, भैया ने बोला था कि जो ये वीडियो देखकर आएगा। चलो ठीक है, और ओवरऑल कोई भाई सोच रहा हो नेक्स्ट वन यहाँ पर लेके आने के, रिकमेंड है? बिल्कुल, फुल रिकमेंड है, ठीक है सर? ऐसे कर दो एक बार।